मैनरलेस, जा जाकर पहले चुल्ली भर के आ। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर अपना झाग वाली। क्या? हाँ हाँ, मैं ना इंतजार कर रही हूँ पेपर वाले का। हंस रही है तू? तू हंस रही है, वो भी मुझ पर? हंस ले बहू, इन 5 मिनटों में जो भी चाहे कर ले, लेकिन 5 मिनट के बाद जिस तरह बाकी की सारी दुनिया मेरी इज्जत करेगी, मुझसे पहचान कराने में अपना गौरव समझेगी और केवल मेरे दर्शन मात्र से सम्मानित हो उठेगी, उसी तरह तू भी करेगी। आज के पेपर में बड़े बड़े मोटे मोटे काले काले अक्षरों में मेरा नाम पढ़ने के बाद याद आया? पेपर पेपर। पेपर दे बहू, पेपर दे। अरे बहू दरवाजा खोल, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ पेपर पढ़ने का। पेपर देना, जा मर अंदर ही, समाधि बना ले अपनी। अरे निकल ना बाहर, मेरी माँ बाहर निकल, दे पेपर दे। अरे पेपर तो अंदर ही रह गया। माई करती है तू, दफ्तर कहाँ है पेपर? पेपर दे, पेपर पेपर दे, इडियट, पेपर दे मुझे। नहीं पहले मैं पढ़ूंगी। नहीं, मेरा नाम अखबार में छपा हुआ है, इसलिए मेरा यह हक बनता है कि पहले पेपर मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़कर सुनाती हूँ ना आपको। कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैंने क्या लिखा है। तो फिर क्यों पढ़ना चाहती हैं आप? डोंट बी सो सिली स्टूपिड बहू, हर महान पत्रकार अपना नाम अखबार में छपा हुआ देखकर खुश हो जाता है, और वही खुशी प्राप्त करने के लिए तो मैंने दिन रात मेहनत की है। हाँ, जिंदगी में पहली बार। क्या, बाकी मैं कोई मेहनत नहीं करती हूँ? नहीं नहीं, जिंदगी में पहली बार आपका नाम अखबार में। यस, मैंने तो हेडलाइन भी दी थी, देवकी वर्मा ने लालचंद बनिए की पोल खोल दी। ऐसी तो कोई भी हेडलाइन नजर नहीं आ रही है मुझे। काश तुझे तेरी माँ ने लिखा है पढ़ाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए कह रही हूँ अब पेपर दे मुझे, दे पेपर मुझे। लीजिए, इस अखबार में तो आपका आर्टिकल छपा ही नहीं है। आई एम श्योर लालचंद ने जरूर कुछ खिला पिला कर आपका आर्टिकल छपने से रोक दिया होगा। चुप कर काली जबान जल कुकड़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस आर्टिकल में मेरे साथ एक सहलेखिका थी जिनका नाम है श्रीमती लीला मेहता। वो कौन है पता है? इस पेपर के जो पब्लिशर है ना, उनकी मिसेस है, बीवी है, वो ऐसा होने ही नहीं देंगी। क्या क्या नाम कहा आपने? लीला मेहता। सुमा, लगता है मैंने ये नाम अभी अभी हेडलाइन में पढ़ा है ना। ये देख। हाँ। ये देख, तो फिर यही मेरा आर्टिकल है, श्रीमती लीला मेहता का समाज कार्य। लीला मेहता का समाज कार्य, तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया? एक्चुअली आर्टिकल तो मैंने लिखा है, तो मेरा भी नाम आना चाहिए। ये देख, सब जगह लीला का ही नाम आ रहा है। अरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने भी तहकीकात की है। सुमा, हो सकता है वो लोग आपका नाम भूल गए हो। नहीं नहीं, शायद आर्टिकल के एंड में लिखा होगा मेरा नाम। हाँ। कि हम देवकी वर्मा के आभारी हैं, या फिर देवकी वर्मा के सहयोग के बिना ये लेख संभव ही नहीं होता, ऐसा कुछ। देख देखते नहीं, एंड में भी मेरा नाम नहीं है। ये सारा क्रेडिट लीलू खा गई, क्यों किया इसने ऐसा? मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बहू, कहीं बाथरूम में ले जाकर तुमने मेरा नाम अखबार से धो तो नहीं लिया ना? सासू मां, मैं ऐसा क्यों करने लगी भला? ताकि लोग मेरी तेरे सामने तारीफ ना करें, मेरे नाम के चर्चे ना हो, मुझे कामयाबी ना मिले, यश ना मिले। अरे क्या क्या कुर्बानियां देकर मैंने इस बनिए की हकीकत पेश की है कि ये बनिया किस तरह गोदाम में अनाज छुपाता है, उसमें कंकर मिलाकर महंगे दामों में वही अनाज बेचता है। मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी हो रही है सासू मां, मैं जान सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। तू जानती है? हाँ, काम करे राम, नाम करे श्याम। हाय हाय बेचारा ये राम, इस श्याम को तो सबक ही सिखाना चाहिए। कौन है ये राम श्याम? कोई नहीं, मैं उदाहरण दे रही थी हम दोनों का। अभी देखिए ना, घर का सारा काम कौन करता है? मैं करती हूँ।
लेकिन कभी मुझे क्रेडिट मिलता है इस चीज का? कभी नहीं। घर में आने वाले लोग तो यही कहते हैं, देवकी के घर जाना है, देवकी ने दावत दी है, देवकी के यहाँ खाना है, देवकी का ये, देवकी का वो, सब कुछ है देवकी का, मेरा जैसे कुछ है ही नहीं। इतना सारा काम करने के बावजूद भी मुझे कोई शबाशी तक नहीं देता। तू मुझे तसल्ली दे रही है या खुन्नस निकाल रही है? लेकिन सासू माँ, समझने वाले तो जान ही जाते हैं किस काम के लिए किसकी पीठ थपथपानी है। तेरा मतलब है मेरा नाम ना हो, नो प्रॉब्लम, फिर भी मेरी कोई पीठ थपथपाएगा? हाँ। कौन? मैं। बस अभी तक नहीं आई ये लीला की बच्ची, फोन पे तो बड़ा प्रॉमिस कर रही थी, आ गई। जाइए फिर, दरवाजा खोलते ही शुरू हो जाइए। तू जा दरवाजा खोलने, मैं नाराज होकर बैठती हूँ। हाँ हाँ। तुम कौन हो? अरे आप कौन है? लीला। आपका नाम लीला है? तुम्हारा नाम लीला है? तुम्ही ने लालचंद के खिलाफ वो लेख लिखा है, तुम्हारे घर फोन किया, पता चला कि तुम यहाँ आ रही हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बहुत अच्छा लेख लिखा है। आपको अच्छा लगा ना? तो आप सही जगह और सही वक्त पर आए हैं। वो लीला अभी तक यहाँ आई नहीं, लेकिन मैं आपको मिलाती हूँ एक बहुत बड़ी हस्ती से। आइए 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 आइए, ये है मेरी सासू माँ महान लेखिका देवकी वर्मा। और जो लेख आपको लग रहा है वो लीला मेहता ने लिखा है ना, वो दरअसल उन्होंने लिखा ही नहीं है, वो लेख लिखा है मेरी सासू माँ देवकी वर्मा ने। हाँ, और आपको जितनी भी तारीफ करनी है मेरी, आप कीजिए। अच्छा, तो लेख तुमने लिखा है? हाँ। सच्ची? सच्ची। आपको विश्वास नहीं होता ना? खाओ माँ कसम। माँ कसम? कसम लगाऊंगा। क्या? हाँ, जो लेख तुमने लिखा है वो झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है, आधी हकीकत है आधा फसाना है। और जब तक तुम अपनी गलती सुधारोगी नहीं, ना मैं यहाँ से जाऊंगा ना तुम दोनों को यहाँ से जाने। ओए मिस्टर, जरा तमीज से बात करो, लेखिका के कलम में बड़ी ताकत होती है। किधर है वो कलम? किधर है वो कलम जिससे तुमने वो लेख लिखा है? अभी तोड़ के फेंक दूंगा उसको। ऐसे ऐसे क्यों करना चाहते हैं आप? ऐसा क्यों करना चाहता हूँ? ऐसा क्यों करना चाहता हूँ? इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। बहुत हो गई बदतमीजी तुम्हारी, अब निकलो यहाँ से। मुझे निकालोगी? हाँ। कैसे? धक्का मार कर। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो बस समझ लो। अच्छा, तो ये ले। अरे मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो, मैं कसम खाकर, बहू की कसम खाकर कहती हूँ, वो आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है बाबा। तो रात रात भर जाकर क्या लिखा करती थी आप? क्या लिखा? वो तो मैं लीलू की स्पेलिंग मिस्टेक रिपेयर करती थी। लिखती अच्छा है वो, लेकिन इंग्लिश जरा कमजोर है। सासू माँ, आप कब से इतनी विनम्र हो गई जो खुद का क्रेडिट दूसरे को देने लगी? मीनू नहीं लिखा है वो। तुम मेरे बहू के मुंह पे टेप क्यों नहीं चिपकाते? मैं जल्दी जल्दी में टेप लाना भूल गया। हाँ। और आपने ये क्या किया है एग्जैक्टली? हमें इतना ढीला डाला बांधते है क्या? जरा कस कर बांधिए ना। चुप कर बहू, चुप कर। मुझे सिखाने दो ना बेचारे को। ए, तुम्हें वो स्काउट की गठन बांधने नहीं आती? नहीं आती, आती है। तो फिर वो बांधिए, वो गठन कोई नहीं खोल सकता। वैसे हम खेल कौन सा खेल रहे हैं? मौत का खेल। किसकी? मरी आपकी? तुम दोनों की। देखा नहीं क्या उसने छाती पर क्या बांध के रखा है? हाँ हाँ देखा, लाल लाल लंबे लंबे सिगार बांध कर रखे। हाँ, और वो यहाँ हम पर सिगार का धुआं छोड़ने आया है। हाँ? नफर, सिगार नहीं बम है, बम, डायनामाइट स्टिक्स है, वो बारूद है उसने, वो बारूद जो हम दोनों को इस घर के साथ उड़ा देगा। बारूद? हाँ, 30, पूरे 30 बम है। 30 नहीं, 25। 25 काफी होंगे? हाँ, काम चल जाएगा। तुम किसी भी तरह ये आइडिया ड्रॉप नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमें ये तो बताइए ये सब क्यों कर रहे हैं आप? अब है कौन? कौन? मैं कौन हूँ? हाँ? मैं कौन हूँ? हाँ? इसका मतलब तुम मुझे नहीं पहचान दे? बिल्कुल नहीं। मुझे कोई नहीं जानता। इससे तो रोना आ रहा है। बात ही रोने लायक है। मैं भी नाम कमाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि चोरों चुक्कों बदमाशों की दुनिया में मेरा नाम हो, लेकिन इतने काले कारनामे करने के बाद भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। हाँ, ये सारा क्रेडिट लालचंद खा जाता है। पीलाचंद को कोई पूछते ही नहीं है। पीलाचंद कौन है? पीलाचंद मैं हूँ, लालचंद का सगा बड़ा होशियार अकलमंद भाई,
पीला चंद। तुम लाल चंद के भाई हो? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सच्ची? तुम्हें मालूम है कि लाल चंद को अनाज छुपाने का आइडिया किसने दिया? तुमने। यस। और उस अनाज में कंकड़ मिलाने का आइडिया किसने दिया? तुमने। यस। और उसे उसे महंगे दामों पे बेचने का आइडिया किसने दिया? तुमने। यस। हूं ना कितना क्लेवर मैं। अफसोस, पकड़ा गया लाल चंद। मेरा तो नाम ही किसी को मालूम नहीं हुआ। वो बदनाम होकर मशहूर हो गया और मैं गुमनामी के अंधेरों में खो गया। पुअर थिंग। बिल्कुल आपकी कहानी लगती है ना सासू माँ। बहू, तू मेरी बराबर इस पीलू के साथ, इस हरे हुए आदमी के साथ कर रही है। सासू माँ, जैसे आपको भी सब कुछ करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिला, वैसे ही इस बेचारे को क्रेडिट नहीं मिला। हरे, इसने तो मेरी कहानी चुराई है। जा, जरा देख कौन आया है। जा। लीला, तो ये है लीला। हाँ। अरे, ये क्या हो रहा है? ये सब तेरी वजह से हो गया है। किसी ने वो लेख लिखा है पीला। मैं खोल दो, इसको पकड़ लो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे जल्दी है। बच्चे बच्चे, छोटे 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 आधा डजन बच्चे हैं मेरे, लेकिन पति एक ही है। मुझे जाने दो ना। क्या देखती है तू लीला? तेरे बच्चे तो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल हो चुके हैं। अरे इसीलिए तो मैं फॉरेन जा रही हूँ, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। प्लीज मुझे जाने दो ना। तो तुम्हें रोका किसने? अरे तुम रोक रहे हो उसे। अरे देखो, मेरी शक्ल जैसी भी है लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अब तुम दोनों तो मेरी बंदी हो ही हो, अब ये बनेगी मेरी मैसेंजर। देखो लीला, तुम पुलिस में जाओ और कहो कि जब तक वो मेरी मांगे पूरी नहीं करते, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड, पकड़ के रखो, बिल्कुल पकड़ के रखो। मैं जाती हूँ, टाटा बाय बाय। अरे कहाँ जा रही है? कौन? एंजॉय योरसेल्फ। लीला, लीला मत जाओ, लीला सुनो तो। लीला, अगर 10 मिनट में मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं ये बम उड़ा दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम दोनों भी नहीं बचोगी। तुम्हारी मांगे क्या है? मुझे मेरा नाम चाहिए कल के अखबार में। मुझे बोलने दो, वरना मैं भूल जाऊंगा। तुम ऑलरेडी भूल गए हो, बम में टाइम लगाना 10 मिनट। थैंक यू वेरी मच। सत्यानाश। वो तो होगा ही 10 मिनट में। 10 मिनट में अगर मुझे ये प्रॉमिस ना दिलाया गया कि कल के अखबारों में मेरा नाम बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ में आएगा तो ये बम फट जाएंगे। बस इतनी सी बात, वो तो मैं अभी लिख कर देती हूँ। खोल तो मेरे हाथ। नहीं, मुझे अच्छा राइटर चाहिए, मेरी कहानी, मेरे ऊपर कहानी लिखने वाला। पीलू 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 पीलू, एक काम करो, तुम अपनी कहानी खुद लिखो। गुड आइडिया। तुम समझ रहे हो ना मेरी कहानी मुझसे बेहतर हो, कौन जानता है। लाओ पेपर पेन दो, पेपर पेन दो। वो देखो वहाँ मेरी रूम है ना, वहाँ है, जाओ जाओ लेकर आओ। उधर। सासुमा का ठंड खोलो, जल्दी जल्दी। मेरी कहानी का टाइटल क्या होगा? देखा देखा कितना कठिन होता है कहानी लिखना। तुम्हें तो अभी तक टाइटल भी नहीं मिला। मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बताती हूँ मशहूर होने का। तुम ना, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ हाँ हाँ, पुलिस के खबरी बन जाओ। बता दो उन्हें अपने खुद के काले कारनामे, सब कुछ बोल दो और बन जाओ एक हीरो। हीरो? हाँ, हीरो, समाज का मसीहा, नायकन पीला चंद। कल सुबह के सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर होगी तुम्हारी तस्वीर। कल शाम के हर समाचार बुलेटिन में होगी तुम्हारे नाम की चर्चा। कितने मशहूर हो जाओगे तुम, बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा तुम्हारा नाम। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तुम कुछ बोल रहे हो? तुम्हारे हाथ खोल ले। नहीं नहीं, ये तो हमने कब के खोल दिए हैं। हम तो तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि तुम भूल रहे हो वो टिक टिक 10 मिनट। तुम्हारा मतलब है ये टाइम बॉम्ब? हाँ, इसे पहले ऑफ करो। अरे हाँ, क्या करो? अरे इसे ऑफ करो। पर कैसे? नहीं लग, ये नहीं हो सकता। बहू तुम कुछ गलत समझ रही हो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों ठीक समझ रही हो। हा? मुझे टाइमर ऑन करना आता है लेकिन ऑफ करना नहीं आता। अब मैं वही कहूंगा जो तुम दोनों कहना चाहती हो। नहीं, तुम्हें टाइमर ऑफ करने नहीं आता। इसे टाइमर ऑफ करने नहीं आता।
नहीं, मुझे टाइमर ऑफ करना नहीं आता। एक्चुअली मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि मैंने इसको सेट कैसे किया था। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। मैं किसी टाइम इसको ट्राई करूँ। नहीं नहीं, क्या कुछ भी हो सकता है ना। पास हो गया। स्टॉप करो, स्टॉप। स्लो गया। थैंक गॉड। काहे का थैंक गॉड, सिर्फ दो मिनट रह गए हम लोगों को पूटने में। अब हम क्या करें? लगता है अब तो श्राप सच होगा। कैसा श्राप? साथ जिएंगे साथ मरेंगे। जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। मेरा मतलब है तुम वायर खींच लो, सर्किट तोड़ डालो बॉम्ब का और डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ, मैंने टीवी पर देखा है, दो वायर्स होती है, लाल और काली। एक को खींचो तो बॉम्ब फट जाता है, एक को खींचो तो बॉम्ब रुक जाता है। तो मैं कौन सी खींचू? लाल वाली? नहीं काली वाली। मैं दोनों ही खींचे। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं ऑलरेडी घबरा रहा हूँ। वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ तो फिर चल। चल मेरे साथ चल, इसे छोड़कर। हाँ हाँ, इसे छोड़कर। अब ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है बाबा। एक मिनट के लिए समझ कि ये मैं हूँ, यानी कि तेरी सास। छोड़ दे इसे, चल। तो क्या आप इसे आपकी बहू समझकर छोड़े जा रही थी? नहीं नो, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो मैं भी कहाँ आपको छोड़कर जा सकती हूँ? अब वक्त कितना रह गया है? 22 सेकंड। चलो वायर खींचते हैं। ऊपर जाके आप मुझे ब्लेम करेंगी तो ब्लेम तो तू करेगी। 15 सेकंड। कौन सी खींचू? कौन सी? अरे बोलना जल्दी। लाल लाल लाल, इसका मतलब काली। आज सारा का सारा अखबार भरा पड़ा है पीला चंद की खबर से। और नहीं तो क्या, जहाँ देखो उसी के नाम के चर्चे हैं। चलो एटलास उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। अरे सासू माँ, ये देखिए इस पेज पर भी पीला चंद के बारे में कुछ छप कर आया है, देखो तो। अरे यहाँ तो लीला मेहता की भी तस्वीर छपी हुई है। दिस इज टू मच। हाँ क्या हुआ? ये पीला चंद किताब लिखवा रहा है, वो भी मशहूर लेखिका लीला मेहता से। मशहूर तो वो है ही ना सासू माँ। अरे डफर, लेकिन पीला चंद को किताब लिखाने की आइडिया किसने दी थी? मैंने दी थी ना, तो किताब उसे मुझसे लिखवानी चाहिए थी कि नहीं? ये लीलू कौन होती है बीच में सारा क्रेडिट ले जाने वाली? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, कैच कर दूंगी इस पर। सासू माँ शांत हो जाइए, सासू माँ शांत हो जाएंगे। देखिए पीला चंद और आप दोनों की कल तक यही शिकायत थी ना कि आप दोनों को नाम से कोई जानता नहीं है, लेकिन आज के फ्रंट पेज पर तो सासू माँ ना केवल आपका आर्टिकल छपकर आया है बल्कि आपकी तस्वीर भी छपकर आई है। आपको तो खुश होना चाहिए। तू ठीक कहती है, मैं खुश हूँ। तूने मेरा आर्टिकल पढ़ा? 18 बार। उसमें ताजमहल का जिक्र कितना अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा सासू माँ। अच्छा, पीला चंद के आर्टिकल में ताजमहल का जिक्र? नहीं। चाय की ऐड है, पढ़। लेकिन सासू माँ, एंड की लाइन पढ़। कहाँ है एंड की लाइन? बिगिनिंग में। और मेरा खास शुक्रिया राधा वर्मा को, जिसकी सहयोग के बिना ये आर्टिकल मुमकिन नहीं था। सासू माँ आपने मुझे भी क्रेडिट दिया, मेरा भी नाम आया पेपर में। तो तू क्या किसी से कम है? अरे आफ्टर ऑल तू मेरी बहू है। सासू माँ आइडिया। अच्छा फिर मिलेंगे अगले साल। सुनिए ना, देखिए इस बात से साबित होता है हम जो भी काम साथ साथ करते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक राइटर्स की टीम बना दे। हाँ रे, कितने मशहूर हो जाएंगे हम दोनों, कितना नाम होगा हमारा, राधा वर्मा एंड देवकी वर्मा। देवकी वर्मा एंड राधा वर्मा।